सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम एक लैपटॉप का रिव्यू करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में हमने एक लैपटॉप मंगाया हुआ है जो भी अमेजोन से आया हुआ है, और इस लैपटॉप के बारे में हम कुछ थोड़ा सा रिव्यू आपको देने वाले हैं। सो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसका लेड जो है वो मेटल का बना हुआ है गाइज, और हिंस की बात करें तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आप वन हैंड से इसको ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और हिंस और बिल्ड क्वालिटी दोनों मिला के ये काफ़ी प्रीमियम फील देता है। सो अगर आप वन हैंड से किसी भी लैपटॉप को हिंस को ओपन कर सकते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि ये काफ़ी लाइट वेट होगा। तो हाँ गाइज, ये लैपटॉप काफ़ी लाइट वेट है और आपको ये 1.4 kg का ही ये लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। इसमें आपको USB 3.2 जन फर्स्ट का आपको पोर्ट मिल जाएगा एंड सेकेंड USB आपको 2.0 का पोर्ट मिल जाएगा। HDMI देखने को मिलेगा एंड माइक्रो HD 3.5 mm का जैक एंड टाइप सी इसमें आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ जो है आप और भी इस लैपटॉप में देना चाहिए था पर नहीं है, कोई बात नहीं। देन अगर कीबोर्ड की बात करें तो इसमें कीबोर्ड आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा, बट इसमें कीबोर्ड बैक लाइट आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं बैक लाइट को। बात करें सिंगल बैक लाइट, इसमें आपको ओनली वन कलर आपको देखने को मिलेगा, बट आपको टाइपिंग वाइपिंग में काफ़ी अच्छा और गुड फीलिंग प्रोवाइड कराएगा ये लैपटॉप। सो कीबोर्ड इसका ओवरऑल गुड ही है एंड पावर बटन की बात करें तो इसमें आपको पावर बटन फिंगर मिल जाएगा जहां पर आप इसको स्कैन कर सकते हैं, अपना फिंगर भी लगा सकते हैं जो कि काफ़ी फास्ट वर्क करता है। नेक्स्ट अगर स्पीकर की बात करें तो आपको स्पीकर इसके राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा, और ऑडियो क्वालिटी एंड लाउडनेस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी लाउडनेस है इस दोनों स्पीकर में। देन अगर ट्रैक पैड की बात करें तो ट्रैक पैड आपको ग्लास का बना हुआ मिल जाएगा, ट्रैक पैड काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। एंड स्पीड की बात करें एंड एक्यूरेसी की तो काफ़ी अच्छी आपको एक्यूरेसी दिखेगी एंड स्पीड भी काफ़ी अच्छा है ट्रैक पैड का। सो ट्रैक पैड काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले के ऊपर की बात करें तो डिस्प्ले के ऊपर आपको कैमरा देखने को मिलेगा जो कि आपको इसमें कैमरा शटर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें जो है इस लैपटॉप में काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कराती हैं। सो फीचर्स की बात करें तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर इसमें आपको AMD Ryzen 5 5600H देखने को मिलेगा जो कि 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स एंड 19 कैश पर काम करता है, जो कि आपको इसमें अप टू 4.2 GHz मैक्सिमम बूस्ट देखने को मिलेगा। मेमोरी की बात करें तो इसमें आपको 16 GB DDR4 का ऑनबोर्ड रैम मिलेगा। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 512 GB आपको इसमें मेमोरी देखने को मिलेगी जो M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD देखने को मिलेगा। सो अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें डिस्प्ले जो है 14 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 35.56 cm को देखने को मिलेगा एंड 2.8K जो है आपको यहाँ पर OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 2880x1800 का रेशियो देखने को मिलेगा। 16:10 एस्पेक्ट रेशियो एंड 600 nits पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, 90Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा एंड रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो 0.2 ms का रिस्पॉन्स टाइम आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा। ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें इंटीग्रेटेड AMD Radeon ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको विंडो 11 होम देखने को मिलेगा, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी देखने को मिलेगा जो कि लाइसेंस के साथ आता है। कुछ फीचर्स हैं जो इस लैपटॉप को काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं और आप भी इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हैं। अगर इस लैपटॉप की रियल प्राइस बात करूं गाइस तो ये मुझे 52 में पड़ा है, बट अभी सेल चल रहा था इंडियन फेस्टिवल का, सो आपको इसमें काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। सो इसके बारे में अगर और भी आपको जानकारी चाहिए तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको अमेजोन पे जाके देख सकते हैं और इस लैपटॉप को परचेज भी कर सकते हैं। इसमें आप गेम्स भी खेल सकते हैं एंड एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।